शुरू करता हूँ सर आपका नाम लेकर जो कि नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखें। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बैड न्यूज़ आई हैं। एक आई है आपकी वेकेशंस के बारे में भी है और आपके रिजल्ट्स के बारे में भी है। तो काइंडली वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। अभी आपको जो है वो अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, कह लें इस गवर्नमेंट ने जितना स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क किया है ना, उतना किसी चीज़ का नहीं हुआ। माशियत का तो हुआ ही हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा बेड़ा जो है वो गर्क किया गया है। ठीक है, ये मैं ऐसे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स पहले ही बड़े परेशान थे और ये डेली बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। पहले क्या हुआ था जी, आपके रिज़ल्ट्स आने थे, आपके रिज़ल्ट वगैरह जो हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, तो और साथ साथ आपकी वेकेशन के बारे में भी क्या उन्होंने तजवीज़ दी है, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी आपने चैनल को रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना है और साथ जो बेल का निशान होता है आपने उसको जरूर दबा लेना है ताकि जैसे मैं इस तरह की एजुकेशन के बारे में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपका जो भी रिज़ल्ट था 10th क्लास का जो 14 सितंबर को आना था और बाकी जो 12वीं क्लास है उसका जो रिज़ल्ट आना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, उसकी डेट जो है वो चेंज कर दी गई है। अब आपका रिज़ल्ट जो है वो अभी नहीं आएगा, इसकी इंशाल्लाह ताला फाइनल डेट्स जो है वो जल्द जल्द आ जाएंगी। तो ये था आपके रिज़ल्ट के बारे में, बहुत गलत फ़ैसला किया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स ने आगे एडमिशन लेने हैं। अगर स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, कुछ ऐसे तुलबा तलबात भी हैं जिनके नंबर कम थे 9th क्लास के अंदर या 11वीं के अंदर, उनको फिर आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए स्टूडेंट्स के साथ, ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। दैन स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके वोकेशन के बारे में जो बताया गया है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मुझे पता है आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट इससे होता क्या है, वीडियो काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट तक पहुंच जाती है और भाई लाइक करने के तो पैसे नहीं ना लगते, बिल्कुल फ्री है। अगर किसी की मदद होती है तो ज़रूर किया करें। तो दैन स्टूडेंट्स, आपके वोकेशन के बारे में आपको पता है 15 सितंबर से आपके तलीमी इदारे जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। तो इस बारे में बताया गया है कि आपकी जो भी आपकी रिसेस होगी, ठीक है, और साथ साथ आपकी जो असेंबली होगी वो नहीं हुआ करेगी। ये भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी की गई है क्योंकि स्टूडेंट्स सुबह 8 बजे से लेकर 7:30 से लेकर 1-2 बजे तक जो है रेगुलर बैठ के नहीं पढ़ सकते। भाई कोई भी नहीं पढ़ सकता, हम भी इसे लाइफ से गुजर के गए हैं, नहीं पढ़ा जाता। तो स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट जो है वो ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी इंशाल्लाह ताला इसके अंदर अगर चेंजिंग की जाती है वो भी उसके साथ आपको बता दी जाएगी। बहरहाल ये हुकूमत की तरफ से आपके ख़िलाफ़ ही फैसला किया गया, ये आपके हक में फ़ैसला नहीं किया गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ आ गया होगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपके लिए जो कुछ भी आए उसको आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ ताकि तमाम स्टूडेंट जो हैं रोज़ाना डेली बेसिस पर जो भी एजुकेशन के बारे में अपडेट्स आते हैं उनके साथ आगाह रहें, क्योंकि अगर आपको नहीं पता चलेगा आप लोग किसी न किसी परेशानी के अंदर जो स्टूडेंट्स वो रहेंगे। तो लाजमी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जैसे ही मैं कोई भी एजुकेशन के बारे में वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दैन इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा एक दूसरा चैनल भी है स्टडी बाबा के नाम से, वहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल लेक्चर्स वगैरह हम अपलोड करते हैं। तो आपने उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अल्लाह पाक का तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखे और तमाम तुलबा तलबात को जो है वो बहुत कामयाबी ता फरमाए। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।